टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिरर कितना लाइट है, टोटल ईयर क्या क्या है, एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर डिफरेंस कितना डिफरेंस पड़ना है भैया, व्हेन व्यूड फ्रॉम अ रेयर मीडियम अपीयर टू बी लेस डेप्थ देन इट्स रियल डेप्थ आई है, ऐसा क्यों होता है भैया, ये बिकॉज ऑफ रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। हे गाइस, आई एम आकाश एंड यू आर वाचिंग आकाश टॉक्स। सर आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जो कि यार आईसीएसई का फिजिक्स में है एंड ये पार्ट टू का वीडियो, ठीक है। तो आप में से जितने भी आईसीएसई के स्टूडेंट्स मेरे अगर कमेंट किए थे कि भैया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ठीक से समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ना है, इंटेंट क्या क्या चीज करना है, थोड़ा बोलिए, तो यार मैं ऑलरेडी पार्ट वन का वीडियो रिलीज कर दिया जिधर मैं तुम लोगों को यार पूरा चीजें एक्सप्लेन किया, कितना एग्जाम में लिख के आना है टू गेट फुल मार्क्स ये भी बोला था, लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आईसीएसई 2020 एंड ऑनवर्ड्स का क्या क्या है, मैं सारे कुछ उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सो यू कैन जस्ट वॉच दिस वीडियो इन द लिंक इन द कमिंग अबाउट, जाकर चेक कर सकता है। होप यार सबको वो सारे चीज क्लियर हो जाएगा बाय वॉचिंग इट। सो नाउ वी कम टू क्या क्या पढ़ना है पार्ट टू के अंदर, कितने उनको बना के आना है एग्जाम के अंदर टू गेट फुल मार्क्स। सो फर्स्ट वी हैव योर रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। भैया रियल डेप्थ है क्या एंड अपेरेंट डेप्थ है क्या, थोड़ा समझाइए। तो समझाने से पहले थोड़ा हम पढ़ लेते हैं उसके बाद बोलते हैं, ठीक है। सो क्या है यार, एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन डेंसर मीडियम, एक ऑब्जेक्ट को जब तुम डेंसर मीडियम पे यार फेंकते हो या फिर रखते हो, प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम व्हेन व्यूड फ्रॉम अ रेयर मीडियम अपीयर टू बी लेस डेप्थ देन इट्स रियल डेप्थ, क्या होता है थोड़ा बोलिए। एक ऑब्जेक्ट मान लो यार एक पेन है, ठीक है यार तक पेन है, हम पेन को यार एक कोई भी पॉन्ड पे या फिर वाटर सर्फेस पे फेंक दिया जिधर यार 10 मीटर गहराई पे या चला गया, ठीक है। अगर तुम ये डायग्राम यार कंसीडर करोगे तो यार तुमको यार समझने के लिए थोड़ा इजी होगा। मैं इस पेन को यार कोई पॉन्ड पे लेक पे फेंक दिया जिधर 10 मीटर गहराई पे जाकर ये स्टॉप हो गया, एंड अगर तुम इस पेन को उसके ऊपर से देख रहे होते तो तुमको यार देखने में आएगा कि यार ये सिर्फ 8 मीटर गहराई है, ऐसा क्यों होता है भैया, ये बिकॉज ऑफ रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यार रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ क्या बोला, बोला कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन डेंसर मीडियम, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को जब तुम यार एक डेंसर मीडियम पे प्लेस्ड करते हो एंड जब तुम उसको व्यू कर रहे होते फ्रॉम रेयर मीडियम, तुमको दिखाई देगा वो जितना भी यार गहराई में है या फिर जितना डीप में है उससे कम गहरा देखने में लगेगा। क्यों लगेगा भैया, लगेगा ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के होने के कारण तुमको यार ये चीज लगेगा। आई होप सबको क्लियर हो गया। अभी एक काम कर सकते हो, घर में जाके या फिर कोई भी जो बाल्टी या फिर जो है उस पर फेंक के देख सकते हो कि यार कैसा लगता है एक्सपेरिमेंट के लिए, तो दैट इज अ जोक्स, बट यू कैन जस्ट ट्राई, एक्सपेरिमेंट है यार, जोक्स नॉट, सही से करके करके देख सकते। एंड ऊपर से भैया इसका फॉर्मूला क्या है या फिर ये आप क्या लिखे रखे हो, म्यू ए बाई एम इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई अपेरेंट, भैया ये है क्या, म्यू ए का मतलब है यार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टू एयर, मतलब क्या रेयर मीडियम, एंड म्यू एम मतलब डेंसर मीडियम और द मीडियम वेयर यू आर गोइंग टू कीपिंग दिस पेन और एनी ऑब्जेक्ट और प्लेसिंग दैट ऑब्जेक्ट। डेंसर मीडियम पर रखे हो, रेयर मीडियम से देख रहे हो, तुमको देखने में लगेगा कि जो एक्चुअल डेप्थ है उससे कम डेप्थ देखने को लगेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड यही है यार रियल डेप्थ, असली डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, जो तुम आंखों में देख रहे हो अपेरेंट डेप्थ। और अगर फिर भी डाउट है मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर वीडियो को थोड़ा रिप्ले करके देखो, समझ में आ जाएगा। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो भैया क्रिटिकल एंगल है क्या, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बाद बोलते हैं क्रिटिकल एंगल है क्या असल। द क्रिटिकल एंगल इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम कोरस्पॉन्डिंग टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन रेयर मीडियम इज 90। तो भैया समझ में नहीं आया क्या बोला आपने। क्रिटिकल एंगल एक एंगल ऑफ इंसिडेंट है इन डेंसर मीडियम, ठीक है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंट है इन डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम। तो भैया एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम मतलब क्या, मान लो कि यार ये एक सरफेस है, ठीक है, ये है रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, तो जब लाइट ट्रेवल कर रहे होते फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड जो एंगल होता है या डेंसर मीडियम मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम, अगर ये एंगल, अगर जो ये एंगल 90 होता है या फिर कोरस्पॉन्डिंग टू 90 होता है, ऑन दैट टाइम क्या होगा, लाइट बाहर नहीं जाएगा, लाइट 90 डिग्री के साथ ऐसे सीधे चला जाएगा, दैट इज व्हाट वी कॉल क्रिटिकल एंगल, उस पे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर लाइट रिफ्लेक्ट करके बाहर चला जाता टुवर्ड्स रेयर मीडियम, ऑन दैट टाइम हम बोलते हैं कि यार नहीं वो क्रिटिकल एंगल नहीं है, बट जब ऐसे स्ट्रेट वे में जा रहा है ऑन दैट टाइम कैन से इट्स अ क्रिटिकल एंगल। तो भैया क्रिटिकल एंगल के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए, कंडीशंस ही तो आता है ना एग्जाम में, हाँ जरूर कंडीशंस आता है, क्या क्या कंडीशंस आता है या फिर क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर ये क्रिटिकल एंगल डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज कलर, कलर के ऊपर क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है, तुम जो भी लाइट पास कर रहे होते हैं उसका अलग सा वेवलेंथ होता है, उसका अलग सा फ्रीक्वेंसी होता है, सब कुछ अलग अलग होता है, ठीक है, एंड यू ऑल नो दिस थिंग। एंड ऊपर से टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर भी यार ये क्रिटिकल एंगल
मैटर या फिर कुछ हद तक डिपेंड करता है. सो दैट इज अ फैक्टर, ये जो फैक्टर है ये इफेक्ट करते हैं क्रिटिकल एंगल को. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रिगार्डिंग दिस चैप्टर. क्या है भैया? है या तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हम ये देख लेते हैं एकदम आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूं. व्हेन अ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल on that time the full light will be going to reflected back into the denser medium and this phenomena is called total internal reflection. भैया आपने तो बोल दिया, थोड़ा हिंदी में बोलिए, समझाइए. मान लो यार एक लाइट जो ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम से, ठीक है, एक लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम से, तो यह डेंसर मीडियम का भी यार एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है जैसे कि मैं पहले ही बोला. अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा होता है, अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा होता है क्रिटिकल एंगल से, जो जो क्रिटिकल एंगल है उस ग्लास का या फिर उस मीडियम का, अगर उससे बड़ा होता है तब क्या होगा, फुल लाइट, पूरा लाइट भैया ट्रेवल बैक कर जाएगा. मतलब क्या, रिफ्लेक्ट बैक, रिफ्रैक्ट नहीं इस बार, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा. कहां पर कर जाएगा? डेंसर मीडियम पर कर जाएगा. ठीक है, तो इसका यार एक लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं. मान लो कि यार ये एक रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो यार लाइट ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम डेंसर मीडियम, और अगर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है तो पूरा लाइट ही मतलब क्या आ जाएगा डेंसर मीडियम के अंदर, या फिर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा डेंसर मीडियम के अंदर. दैट इज व्हाट यू कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो इसके ऊपर क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं, सेम भैया ऑलरेडी आपने बोल दिया, फिर मेंशन कर दिया, फिर भी और एक बार बोल दीजिए. यही फैक्टर है, ठीक है, द लाइट मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए. ये दो फैक्टर्स है. अगर तुमको एग्जाम पे ये चीज पूछे जाता है तो ये दो फैक्टर्स लिख के आना, तुमको यार दावे के साथ बोलता हूं फुल मार्क्स मिलेगा. इफ टू मार्क्स इज देयर यू विल गोइंग टू गेट टू मार्क्स. और जो डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी यार मेंशन किया ऑफ दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखो यार मेरे को अभी तक याद है या फिर याद नहीं यार, ये सब ना प्रैक्टिकल करके मतलब यार एकदम तुम्हारे अंदर घुस जाता है अगर तुम थोड़ा ठीक से समझोगे तो. यार एकदम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल इंग्लिश सब लोग जानते हो, चीजें समझ गए, लिख के आना है बस, और कुछ नहीं. ये कोई लॉ नहीं है कि तुमको अपने से बनाना नहीं पड़ेगा, मतलब क्या तुम खुद भी समझ के लिख सकते हो. ठीक है, नाउ क्रिटिकल एंगल भी है, जो चीज बोला वो तुम सेम लिख सकते हो, एंड रियल डेप्थ एंड अपेंडिक्स भी है, जो चीज में लिख के दिया वही तुम लिख सकते हो. एंड ये भी यार ये फॉर्मूला म्यू ए बाई एम इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई अपेंडिक्स. तो भैया हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक तो खत्म कर दिया, अभी क्या क्या है? अभी है तुमको तीन प्रिज्म का डायग्राम तीन से चार बार प्रैक्टिस करना है. क्या क्या है? फर्स्ट है यार 60-60-60 क्या एक इक्विलेटरल प्रिज्म, जो जो तुम्हारा बुक में है यार ऐसे ऐसे करके यार एक प्रिज्म है, और ऊपर से यार ऐसे लाइट आ रहा है ऐसे यार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, फिर से यार इधर से जा रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका क्रिटिकल एंगल क्या आ रहा है, ये सारे चीज तुमको जानना पड़ेगा फ्रॉम दिस पार्ट. एंड यार सेम गोस टू यार दिस एंगल 60-30-90, ये भी यार एंगल ऑफ प्रिज्म का यार वही सेम चीज है जो तुमको पढ़ना पड़ेगा. एंड द नेक्स्ट इज 45-45-90, यार ये तीनों जो एंगल्स या फिर ये तीनों जो प्रिज्म का डायग्राम है तीन से चार बार प्रैक्टिस करो, ज्यादा नहीं, तीन से चार बार अच्छे से नीट लेलिंग करके प्रैक्टिस करो, फुल्ली हो जाएगा, कोई कठिन चीज नहीं है, एकदम मैं बोल रहा हूँ फुल्ली हो जाएगा, इतना सा ही पढ़ना है, डोंट यू हैव एनीथिंग मच मोर देन दिस. देन वी विल कम टू लास्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास या फिर ऑफ आवर रिफ्रैक्शन टूडे ऑफ होल चैप्टर. क्या है? डिफरेंस बिटवीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कितना लाइट है, टोटल यार क्या क्या है, डिफरेंस बिटवीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर. डिफरेंस कितना डिफरेंस पढ़ना है भैया? तीन डिफरेंस पढ़ना है भैया, तीन तो नहीं हो पाएगा, दो बोलिए ना. मैं दो क्यों नहीं बोला, मेरे को मालूम है यार दो मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तुमको दो ही लिख के आओगे एग्जाम के, बट फिर भी यार मैं तीन बोला ताकि यार तुम तीन पढ़ो, अगर एक भी भूल जाते हो वो तुम लिख देना. भैया क्या क्या लिखे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो डेफिनेशन है वो लिख दो, एंड प्ले मिरर का क्या होता है वो लिख दो, एंड ऊपर से यार एग्जांपल मान दो और एक डेफिनेशन दो. उसके बाद तुम अगर एग्जांपल देना चाहते हो तो एक एग्जांपल भी छोटा सा डायग्राम करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा. इतना सा चीज है फ्रॉम दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. यार तुम ये लेके घबरा रहे थे, इतना आसान चीज है, इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया, डरने का कोई बात नहीं यार, सिर्फ समझो लिखो, एकदम फुल मार्क्स मिलेगा. सो I am Akash, closing it off, and itna sahi cheez hai. And if you have any doubt regarding this topic or any other topic of physics, chemistry, biology, you can just comment me below. Main har ek comment padhta hu aur uski hisab se video bhi bana deta hu. Tab tak ke liye chalte hain. See ya. Have a good time. Fir milunga next video mein. Goodbye.